ये वीडियो इससे पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है। हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि एक कंपनी जिसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेल करता है डिपार्टमेंट सी, और डिपार्टमेंट ए चीज़ें बनाकर डिपार्टमेंट बी को सेल करता है, डिपार्टमेंट बी चीज़ें बनाकर डिपार्टमेंट सी को सेल करता है, और डिपार्टमेंट सी उस पर मज़ीद काम करता है और मार्केट में सेल्स करता है। और यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि डिपार्टमेंट ए जब चीज़ें बनाता है 50% उस कॉस्ट पर मार्जिन रखता है, और 50% मार्जिन रख कर वो चीज़ें डिपार्टमेंट बी को सेल करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स ऑफ बी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट एट अ मार्जिन ऑफ 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब जब डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को सेल करता है तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसकी कॉस्ट जो कि डिपार्टमेंट ए से उसको पड़ी है कॉस्ट वो क्या है, उस कॉस्ट के बाद वो मज़ीद उस पर जो कॉस्ट लगा रहा है वो कितनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट निकाली, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिपार्टमेंट बी है हमारे पास और हमने लिखा है कि डिपार्टमेंट बी को 18,000 कॉस्ट पड़ी है जो कि डिपार्टमेंट ए ने चार्ज की। इसके बाद डिपार्टमेंट बी में काम हुआ है उसकी कॉस्ट पड़ी है, पहले ओपनिंग स्टॉक जो मौजूद था वो 4,000 का था, मटेरियल जो यूज़ किया वो 12,000 का है, और इसके बाद वेजेस मज़ीद लेबर्स काम पर जो लगाए उनको 10,000 देना पड़ा, तो मिलाकर टोटल कॉस्ट बन गई 44,000। अब हमने ये देखना है कि 44,000 तो टोटल कॉस्ट है, तो इसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिपार्टमेंट सी को सेल नहीं की, क्योंकि हमने वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो कि डिपार्टमेंट सी को चीज़ें सेल करके जो डिपार्टमेंट सी को कॉस्ट पड़ी और डिपार्टमेंट बी को सेल्स करने पर डिपार्टमेंट बी के पास अमाउंट आई। तो इसमें से हम लोग 44,000 में से क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट बी का जो डिपार्टमेंट बी ने सेल नहीं किया इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे यानी लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 30,000। तो 30,000 पर जो डिपार्टमेंट बी चार्ज कर रहा है वो है 10% मार्जिन। 30,000 कॉस्ट है, कॉस्ट पर हम अगर 10% कैलकुलेट करें तो ये 3,000 आता है, और हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर ये गिवन है कि 10% वो डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को कॉस्ट के ऊपर चार्ज करता है। तो ये हम लोगों ने 3,000 को 30,000 में जमा किया तो ये आ गया 33,000। अब इस 33,000 को हम डिपार्टमेंट बी की सेल कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट बी की सेल है, और यहाँ पर हमने लिखा ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी को हमने सेल्स की हैं, और ये सेल्स की अमाउंट है 33,000। हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और ये डिपार्टमेंट सी के लिए कॉस्ट बन गई, तो हम लोग इसको डिपार्टमेंट सी में कॉस्ट लिखेंगे। ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी से चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं लेकिन डिपार्टमेंट बी ने जो कॉस्ट चार्ज की है वो की है 33,000। तो यहाँ हम कर लेते हैं 33,000। तो हमने यहाँ पर पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर हर डिपार्टमेंट में जितना कंजम्पशन यानी मटेरियल को यूज़ करने का ख़र्चा है वो लिखा, और वेजेस लिखी। फिर हमने देखा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जिस अमाउंट पे चीज़ें सेल कर रहा है वो जिस डिपार्टमेंट को सेल की जा रही है उसकी कॉस्ट है, और जो डिपार्टमेंट सेल कर रहा है वो उसकी सेल्स में आ जाएगा। और अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हम लोग जो क्रेडिट साइड पर अमाउंट है या ग्रॉस लॉस को हम लोग फाइंड करते हैं, अगर हम लोगों की क्रेडिट साइड पर हम अपने इनकम और जो स्टॉक है जो साल के एंड पर मौजूद है वो लिखते हैं, तो अगर ये अमाउंट ज़्यादा है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि डेबिट साइड पर लिखे गए हैं ये कम हैं, तो इसका मतलब है जो बैलेंस नज़र आएगा वो हमें डेबिट साइड पर नज़र आएगा, ये अमाउंट कम ये अमाउंट ज़्यादा, तो बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा और ये हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि इस केस में एक्सपेंस कम और इनकम ज़्यादा होंगी। तो देखते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर इसको अगर जमा करें तो 42,000 आता है, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको जमा करें तो ये 39,000 आता है, तो इसका मतलब है 42,000 ज़्यादा है।
हम लोग ज़्यादा को इस तरफ लिख लेंगे, 42,000 में से जब हम लोग 39,000 को लेस करेंगे जो कि एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। हमने बैलेंस यहाँ पर लिख दिया, तो अब अगर हम लोग इसको टोटल करें तो ये हमारे पास बनेगा 42,000। यहाँ पर हम 42,000 लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी को भी देखेंगे। तो डिपार्टमेंट बी में जो टोटल है वो है 47,000। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 47,000। और हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंसेस कितने हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं 44,000। तो इसका मतलब है यहाँ भी 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ भी हम लिख देते हैं अब टोटल 47,000। अब डिपार्टमेंट ए का अगर हम लोग टोटल देखें तो ये है 22,000। और डिपार्टमेंट ए के डेबिट साइड पर अगर हम लोग देखें तो ये है 16,000। तो हम लोग यहाँ पर 22,000 में से अगर 16,000 को लेस करें तो हमारे पास आता है 6,000। यहाँ हम 6,000 लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 6,000। टोटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड पर भी, क्रेडिट साइड पर भी और डेबिट साइड पर भी। तो ये हमारे पास हमारा यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। और ये हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट ए को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 6,000 का, डिपार्टमेंट बी को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 3,000 एंड डिपार्टमेंट सी को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 3,000। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, जो आगे लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, जो कि हमने लाया है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6,000 हमारे पास आया डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, 3,000 डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट एंड 3,000 डिपार्टमेंट सी का ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं और इससे आगे हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखते हैं और हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को लिखते हैं। हम लोग मार्जिन को लिख चुके हैं। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन हैं। अदर एक्सपेंसेस वर सैलरीज 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, रेंट, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन। हमें ये टोटल एक्सपेंसेस गिवन हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि डिपार्टमेंट ए के एक्सपेंसेस कितने हैं, डिपार्टमेंट बी के एक्सपेंसेस कितने हैं और डिपार्टमेंट सी के एक्सपेंसेस कितने हैं। हम देखते हैं कि हमें इसे किस बेस पर एलोकेट करना है, यानी तीनों डिपार्टमेंट को किस बेस पर चार्ज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट्स। तो यहाँ तक हम लोगों को बता दिया गया है कि हमने अब इन एक्सपेंसेस को जो टोटल तीनों डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तीनों डिपार्टमेंट के ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर एलोकेट करना है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह। इस टेबल में ये हमारी वर्किंग है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हर डिपार्टमेंट को एक्सपेंस कितना जाएगा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं कितना आया है, क्योंकि इसके बेस पर हमने एलोकेट करने हैं ये एक्सपेंसेस। और फिर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं हम उनको भी लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। तो डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट है 6,000, डिपार्टमेंट बी और सी का है 3,000। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखते हैं 6,000, डिपार्टमेंट बी का 3,000 और डिपार्टमेंट सी का है 3,000। और अगर हम लोग टोटल देखें तो ये है 12,000। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग लिखते हैं टोटल एक्सपेंसेस जो कि ये भी दिए गए हैं, और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम इन्हें एलोकेट करते हैं तीनों डिपार्टमेंट के दरमियान। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है इसकी हम लोग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं 3,000, 3,000 एंड 6,000। तो ये हम लोग देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 6,000 है पहला, दूसरा है 3,000 डिपार्टमेंट बी का और डिपार्टमेंट सी का है 3,000 एंड टोटल है हमारे पास 12,000। तो हम ये करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, 0,0 कट के ये हम लोग इन ज़ीरोस को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये चारों में मौजूद हैं। अब अगर हम लोग 3 का टेबल पढ़ें तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12।
तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, तो ये रेशो हमारे पास आ गई है। इस रेशो को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, 1, 1 एंड 4। तो ये वो रेशो है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की है, इसकी बेस पर हम ये एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। तो पहला जो है वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं और बाकी बिल्कुल पहले की तरह ही होंगे। हमने यहाँ पर 2 लिखा जो कि रेशो है डिपार्टमेंट ए की, और फिर हमने टोटल रेशो पर डिवाइड किया। ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल रेशो है 4 और 2 रेशो है डिपार्टमेंट ए की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो टोटल सैलरीज का एक्सपेंस है वो है 2000। तो ये हमारे पास आता है 1000, और ये 1000 जाएगा डिपार्टमेंट ए की सैलरीज के सामने 1000। अब इसके बाद इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, ये है डिपार्टमेंट बी की रेशो है 1, 1 डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 4 से, जो कि टोटल रेशो है, मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे 2000 जो कि सैलरीज का टोटल एक्सपेंस है, और हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 500। और बिल्कुल यही 1 रेशो है डिपार्टमेंट सी की और 4 है टोटल और सैलरीज का एक्सपेंस टोटल है 2000। तो इसका मतलब है बिल्कुल यही सिमिलर आ जाएगा, इसी जैसा होगा डिपार्टमेंट सी का एक्सपेंस, क्योंकि रेशो भी वही है और टोटल अमाउंट भी वही है जिसमें से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो जिस तरह हमने पहला कैलकुलेट किया और अमाउंट को हमने सैलरीज में लिखा, इसी तरह हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन की भी रेशोज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके टोटल एक्सपेंस को तीनों डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिया। अब ये जो एलोकेशन हमने की है, डिस्ट्रीब्यूट किया है एक्सपेंस, इसको हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस लिखेंगे। और फिर जो चीज़ अकाउंट फॉर करनी रह गई है वो है यहाँ पर हमारे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, तो इसको हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे।